तो दोस्तों, क्या आपके भी फोन के कैमरे की क्वालिटी बहुत ही लो है? जब भी आप अपने फोन कैमरे से कहीं पे भी फोटो क्लिक करते हो तो आप उसे पोस्ट करने में डरते हो कि आपके फ्रेंड देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि आपके पास भी अभी तक एक सस्ता ही स्मार्टफोन है, आपने कोई महंगा फोन नहीं लिया। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फोन के कैमरे से फोटो तो लोगे लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि आपने DSLR से ही फोटो क्लिक किया हुआ है। एकदम यहाँ पे एडिट भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो ही क्लिक करना है। एडिट वगैरह के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, नॉर्मल आपको फोटो क्लिक करना है और आप एकदम DSLR जैसे फोटो को क्लिक कर सकते हो अपने नॉर्मल कैमरे से, जो आपका नॉर्मल कैमरा है उससे एकदम ब्लर फोटो ले सकते हो। कहीं पे भी आप पोस्ट करोगे आपको अच्छे ही कमेंट आने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो अपने कैमरे के साथ तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा देना है ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। उसके बाद आपको अपने एंड्रॉइड फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसकी मदद से आप अपने फोन से अच्छी अच्छी फोटोज को क्लिक कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपका कैमरा यहाँ पे चालू हो जाता है, जो आपका बैक कैमरा रहेगा, सेल्फी कैमरा रहेगा, यहाँ पे चालू हो जाता है। अब आपको नॉर्मली क्या करना है, फोटो क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन से फोटो क्लिक करना है। आपको अपने कैमरे से फोटो क्लिक नहीं करना है बल्कि इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोगों को कोई भी फोटो क्लिक करते हो ना तो आपको इस एप्लीकेशन के जरिए फोटो को क्लिक करना है। नॉर्मली हम यहाँ पे कोई भी एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फोटो को क्लिक किया, अब यहाँ पे आप थोड़ा वेट करना है। जैसे यहाँ पे हमने वेट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो को ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या किया है, बता दिया गया है। अब आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे नीचे आपको ब्लर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप ब्लर के ऑप्शन पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने हिसाब से ब्लर कर सकते हो। जिस जहाँ पे भी आप ब्लर करोगे यहाँ पे आप तो कुछ इस प्रकार से आप ब्लर कर सकते हो, ज्यादा ब्लर कर सकते हो, नॉर्मल ब्लर कर सकते, जितना आप ब्लर करना चाहोगे ब्लर कर सकते हो। और जो मेन पार्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से क्लीन दिखेगा और बाकी बैकग्राउंड जो रहेगा वो यहाँ पे ब्लर हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आपने DSLR से फोटो को क्लिक किया हुआ है, एंड्रॉइड फोन से फोटो को क्लिक किया है ऐसा लगता ही नहीं है। और यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ही आप ब्लर कर लेते हो यहाँ पे आपको थेम का ऑप्शन मिलता है, जो आप थेम लगा सकते हो। प्लस यहाँ पे और भी चीजें मिल जाती है, देख सकते हो अब यहाँ पे ये मिल जाता है और यहाँ पे आपको और भी मिल जाता है ब्यूटी, ब्यूटी वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ब्यूटी लगा सकते हो, कस्टम वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे कस्टम कर सकते हो, हेयर वाले ऑप्शन पे जाके आप हेयर वगैरह अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हेयर वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे फोटो को ब्लर करना है। तो यहाँ पे एक बार और आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने सेल्फी कैमरे से फोटो को क्लिक किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड जो ब्लर किया हुआ है कितना क्लीन ब्रेक यहाँ पे ब्लर किया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इसे एडिट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ऐसा लग रहा है कि DSLR से फोटो किया क्लिक किया हुआ है या तो किसी महंगे स्मार्टफोन से हमने फोटो को क्लिक किया हुआ है, ऐसा देखने में आप लोगों को लगेगा। लेकिन आप अपने फोन से ही फोटो को क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आप ज्यादा ब्लर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप तो ज्यादा ब्लर हो जाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा ब्लर करोगे पहचान में आएगा, ऐसा नॉर्मल अगर आप ब्लर करोगे तो देखने में ऐसा लगेगा कि किसी महंगे स्मार्टफोन से आपने ब्लर किया, ब्लर करके फोटो को क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे एडिट नहीं किया हुआ, किसी को भी पहचान में नहीं आएगा। अब आप कहीं पे भी फोटो को पोस्ट कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे एडिट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। लेकिन आपको नॉर्मल ही एडिट नहीं करना है, यहाँ पे जो ब्लर वाला ऑप्शन है सिर्फ इसे ही इस्तेमाल करना है। ये आपके कैमरे के क्वालिटी को बढ़ा देता है, प्लस आप जब फोटो क्लिक करते हो ना तब आपके फोन की क्वालिटी करते हो ना तब आपको और भी क्वालिटी दे देता है। और यहाँ पे जब ब्लर वगैरह करोगे तभी भी उसके बाद भी जो आपका फोटो रहता है वो काफी क्लीन होता है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका जो फोटो रहेगा वो आपके गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब आप कहीं पे भी फोटो को पोस्ट करोगे तो आपके दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे इसके पास भी कोई महंगा स्मार्टफोन ही होगा जो इतना अच्छा ये ब्लर फोटो क्लिक किया हुआ है। तो अगर आपको आपको भी ऐसा कुछ करना है तो इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर से ट्राई
कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। जिन लोगों के पास सस्ता स्मार्टफोन है वो अच्छा फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो उनके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।